पर दोस्तों मिथ सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सुमित को इस समय ये लोग झूठा साबित कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय राज गवाही देता हुआ नजर आने वाला है। और राज जो गवाही देगा, सुमित का भाई, ये बोलते हुए नजर आएगा कि हाँ, मैंने ही सहरा बंधवाया था, हेल्प की थी, जिसमें रौनक से हुई थी, ना कि इस लोग से मेरी बहन की शादी हुई है, बल्कि मेरी बहन सुमित झूठ बोल रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय ब्लैकमेल किया जा रहा है राज को, क्योंकि राज से बोल दिया था इस समय शगुन ने और रौनक ने कि अगर तुमने झूठ नहीं बोला तो सोच लेना कि हम क्या करेंगे तुम्हारी इस बहन के साथ में, जो बानी के साथ में। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई तरीका से अलग कोश लाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए इस समय आखिरकार सुमित की, तो सुमित बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि सुमित को लग रहा था कि मेरा भाई साथ देगा मेरा, लेकिन दोस्तों उसने जिस तरीका से मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें साफ साफ बोलता हुआ नजर आ रहा था कि सुमित झूठ बोल रही है। खुद सुमित के भाई का ये बयान देखकर सभी लोग आखिरकार बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई रूपों में अलग से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीका से भी कहानी में ऊट देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि समय बेहद ही ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं। और टेंशन का एक रीजन तो हो ही नहीं सकता, ये बात आप लोगों को खुद भी पता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से शगुन भागने वाली नहीं है, बल्कि उसको पुलिस ही पकड़ेगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है गाइस। आई लव यू ऑल ऑफ यू।